Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will study about bulk modulus and compressibility. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसा कि आप जानते हो बल्क मॉडुलस को जो है के से रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर नहीं जानते हो तो आप जान लो. और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि 1 बाई बीटा इज इक्वल टू के हो जाएगा और 1 बाई के इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा. ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो सबसे पहले बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन देखेंगे और उससे उसी के फॉर्मूले से कंप्रेसिबिलिटी निकाल लेंगे 1 बाई के करके. तो बल्क मॉडुलस स्टडी करते हैं. बल्क मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच डिफाइंस द अपोजिशन बाय द फ्लूड अंडर कंप्रेशन. मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कंप्रेशन में जब फ्लूड होगा तो उसके पोजिशन को डिफाइन करता है. जैसे कि आप देख रहे थे कि सॉलिड्स के लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट ई आ रहा था, तो वहीं कंप्रेशन में फ्लूड्स के लिए जो आपका कंप्रेशन कांस्टेंट था, यानी जिसको कि एक तरीके से इलास्टिक कांस्टेंट बोलेंगे फॉर फ्लूड्स, तो यो के आ रहा था बल्क मॉडुलस. ठीक है, नाउ इट इज़ ए मेजर ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर फ्लूड्स जो मैं बता रहा था. ठीक है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, 1 बाई के को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बीटा. नाउ कुछ यहाँ पे फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपको सॉलिड के लिए पता है इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ. रिजिड बॉडी के लिए स्ट्रेन जीरो हो जाएगा बिकॉज चेंज इन लेंथ जीरो होगा, और जो इलास्टिक कांस्टेंट है इनफाइनाइट हो जाएगा. सेम उसी तरीके से अगर लिक्विड्स के लिए देखें तो एक लिक्विड को फ्लूड नहीं बोल रहा, लिक्विड को गैसेस के लिए इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब फ्लूड्स के लिए पढ़ें तब लिक्विड्स के लिए पढ़ लेते हैं. तो एक लिक्विड को टैंक में स्टोर करें, फिर किसी प्रेशर पी से प्रेशराइज करें और प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, मतलब पी से बढ़ के हमारा प्रेशर पी प्लस डीपी, डीपी प्रेशर हमने इंक्रीज किया है तो इंक्रीज़ करें, तो वॉल्यूम हमारा पहले V1 था, तो बाद में जब प्रेशर पी प्लस डीपी अप्लाई हो गया तो हमारा वॉल्यूम V2 यानी कि डिक्रीज हो गया वॉल्यूम में. ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितना प्रेशर में चेंज आ रहा है उतना ही वॉल्यूम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम. तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम. ये है. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐड कर रहे हैं. क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा तो फाइनल वॉल्यूम यानी V2 और माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1 करेंगे. तो आप देख सकते हो जो V2 है ये इनिशियल वॉल्यूम V1 से ज़्यादा है, सॉरी कम है. तो जब V2 कम है इनिशियल वॉल्यूम V1 से, जब V2 माइनस V1 करेंगे तो V2 की वैल्यू है V प्लस dV माइनस V, तो कितना बच जाएगा dV, जो कि नेगेटिव में आएगा. जब कम में से ज़्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा dV का वैल्यू. तो इसके आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव dV. पॉजिटिव वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन वॉल्यूम का पॉजिटिव होगा, जो कि यहाँ पे मैंने समझा रखा है. ये पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव प्लस नेगेटिव मिलके ये भी पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी. सो पहले हमने नेगेटिव लगा रखा है. नाउ अब एक चीज़ आप जानते हो, मैं यहाँ पे लिख भी रखा हूँ, पी प्लस डी पी है वो पी से ज़्यादा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. कितना इंक्रीज कर रहे हैं, डीपी इंक्रीज कर रहे हैं, डीपी जो है पॉजिटिव है. और जो वॉल्यूम है डिक्रीज कर रहा है, यानी बी प्लस डीवी जो है लेस है जो इनिशियल वॉल्यूम था वी से, तो डीवी जो है नेगेटिव है. इसके पहले हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा लाइक दैट. अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो नाउ डीपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा हमारे पास के, और माइनस डीवी बाई वी ये हमारे पास बचेगा. नाउ अगर यहाँ से हम के की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन की, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा डीपी अपॉन में माइनस का डीवी बाई वी. ये पूरा उठ के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, और इसकी यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी, क्योंकि डीवी बाई वी ये तो एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल आउट कर देगा, यूनिट लेस हो जाएगा, और फिर सिर्फ प्रेशर का यूनिट बचेगा यानी कि पास्कल. तो बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के लिए देखते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स है यानी कि उसकी वॉल्यूम जो है उसमें चेंज नहीं आ रही है, डी वी जो है ज़ीरो है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है। अगर डी वी ज़ीरो है तो बल्क मॉडुलस कितना था आपके पास, डी पी अपॉन में डी वी वाई वी नेगेटिव का, ठीक है। तो डी वी जब ज़ीरो है तो डिनोमीटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी डी पी अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब जो ये चीज़ आपका है डी पी, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, बिकॉज हम प्रेशर जो है इंक्रीज़ तो करेंगे ही, प्री से इंक्रीज़ करके पी प्लस डी पी करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे ही, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। अगर प्रेशर नहीं इंक्रीज करते डी पी भी ज़ीरो होता तो के कुछ इस टाइप से हो जाता, ज़ीरो अपन में ज़ीरो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ज़ीरो अपन में ज़ीरो डिफाइंड नहीं है, तो के की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये वन अपॉन के होता है तो वन अपॉन इन्फाइनाइट दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो कंप्रेसिबिलिटी कितना आ जाएगी, ज़ीरो, मतलब कि फ्लूड जो है इनकम्प्रेसिबल है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो है। अब यहाँ से फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। आपको पता है बल्क मॉडुलस कितना है, डी पी अपॉन में डी वी वाई वी नेगेटिव का, तो इसके उल्टा करेंगे सेम, तो डी वी वाई वी नेगेटिव का जो ऊपर चला जाएगा डी पी नीचे, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव का डी वी वाई वी अपॉन में डी पी, मतलब चेंज इन प्रेशर। और ये इलास्टिक कांस्टेंट का आपके पास फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे क्यों लिख रखा हूँ, ताकि आप कंपेयर कर सको इससे बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला से। ये इलास्टिक कांस्टेंट है फॉर फ्लूड्स और ये इलास्टिक कांस्टेंट है फॉर सॉलिड्स, तो ये सेम इसी तरह से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो कि आप देख रहे हो, तो आप इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लो, रट लो, डी पी अपॉन में डी रो बाई रो, ये कैसे आया, आपने तो बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला पढ़ा है, डी पी अपॉन में नेगेटिव का डी वी बाई वी, और ये कैसे आया, वॉल्यूम को हमने जो है डेंसिटी से कैसे चेंज किया, तो यहाँ पे उसके लिए देखते हैं। तो आपको एक चीज़ पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ऐसे निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ में नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में होता है ऐड हो जाता है, तो एल एन रो प्लस एल एन वी इज इक्वल टू एल एन एम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन आपका आता हुआ था, एल एन रो का डिफरेंशिएशन वन बाई रो अपॉन इंटू डी रो हो जाएगा, एल एन बी का वन बाई वी इंटू डी बी हो जाएगा, और ये एल एन एम कॉन्स्टेंट है तो एल एन एम भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसकी पूरी डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, जीरो, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। नाउ इससे निकालेंगे तो डी रो अपॉन में रो इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस का डी वी अपॉन में वी हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है के इज इक्वल टू डी पी माइनस का डी वी अपॉन में भी, तो इसके जगह पे आप रिप्लेस करके ये वाला लिख दो, और सेम उसी तरीके से तो आपके पास फॉर्मूला जो मैंने बताया जिसको याद कर लो आप, के इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इक्वल टू डी पी अपॉन में डी रो बाई रो, और इसके सेम उल्टा बीटा यानी कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू डी रो बाई रो अपॉन में डी पी, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के केस में देखते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के केस में आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बीटा ज़ीरो है, जो कि आपने ऊपर देखा था, तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या था, फॉर्मूला आपके पास था डी रो अपॉन में रो बाई डी पी, यही तो फॉर्मूला था। तो बीटा का जो आपके पास फॉर्मूला था उसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, डी रो अपॉन में रो बाई डी पी, तो इसको आपको मैथ्स आती होगी तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, वन बाई रो डी रो अपॉन में डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। अब नाउ इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगा डी रो अपॉन में डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको याद रखेंगे बिकॉज आगे यूज करेंगे, या फिर अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी बेस्ट देता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड लिखा होता है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि चेंज इन डेंसिटी अपॉन में चेंज इन प्रेशर उस फ्लूड के लिए लिक्विड के लिए कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है।
तो चलिए अब क्या है, एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट में ये चीज़ है कि बल्क मॉडुलस ऑफ एयर और वाटर को कंपेयर करना है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किसको कंपेयर किया था, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर को। तो डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर की कितनी थी, 15 टाइम्स थी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर के, ठीक है। रो को भी किया था हमने कंपेयर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी किया था, तो बल्क मॉडुलस को भी करते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर जो होता है 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वाटर के लिए जो होता है इसके 20,000 होता है, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज़ 20,000 टाइम्स द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, ठीक है। तो सेम कंप्रेसिबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो बल्क कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर हो जाएगा 20,000 टाइम्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। तो इससे एक चीज़ आप समझ रहे हो कि एयर जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है इन कंपेरिजन टू वाटर। अब तो इससे इसका यूज करते हुए निकालें तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2×10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे रेशियो ले तो 20,000 बचेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर इज 20,000 टाइम्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर से 20,000 टाइम्स ज़्यादा कंप्रेसिबल है एयर। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए इनकम्प्रेसिबल जनरली वाटर को मानते हैं। अब नाउ हमारे पास फ्लूइड फ्लो है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कब मानेंगे, जब डी रो यानी कि चेंज इन डेंसिटी अपॉन में ओरिजिनल डेंसिटी ये लेस होगा 5% से, मतलब डेंसिटी में जो चेंज हो रहा है वो 5% से कम चेंज होगा, तो उस टाइप के फ्लूड्स को हम क्या बोलेंगे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है। और जो फ्लो हो रहा होगा जहाँ पे डेंसिटी 5% से कम चेंज हो रही है, तो उस टाइप के फ्लो को क्या कहेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। तो 5% मतलब कि डी रो बाई रो लेस देन होना चाहिए 0.05 के, क्योंकि 100 से इसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए। नाउ वाटर के केस में देखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 पे जो इसका डेंसिटी होता है 998 होता है केजी पर मीटर क्यूब, और 180 पे इसका जो डेंसिटी होता है 1003 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 ATM प्रेशर चेंज होने पे हमारे पास चेंज इन डेंसिटी कितना आ रहा है, 5 kg/m³ आ रहा है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो डी रो बाई डी कितना हो जाएगा, 5/998 हो जाएगा। तो इसका एक एवरेज ले लेते हैं, मतलब ये कैलकुलेट करना थोड़ा आसान नहीं है, तो 5/1000 कर देते हैं बिकॉज 998 जो है 1000 के आसपास है। तो इसका जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास कितना आएगा, 0.5%, मतलब डेंसिटी में कितनी चेंज हो रही है 0.5%। तो ये कब है, जब 1000 ले रहे हैं, 998 हुआ तो वही होगा 0.6% के आसपास समथिंग, या फिर 0.5 और 0.6% के बीच में होगा कुछ चेंज। तो ये बहुत ही कम है, मतलब 5% से तो बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूड कंसीडर करते हैं। अब एक नोट पॉइंट है हमारे पास, लिक्विड आर कंसीडर इनकम्प्रेसिबल विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, ठीक है। लिक्विड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल, उसको फ्लूड कंसीडर किया जाता है गैसेस के, बिकॉज इसमें 1000 टाइम्स कम कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड्स में इन कंपेरिजन टू गैसेस। तभी तो मैं ऊपर बोल रहा था कि लिक्विड्स को जनरली इनकम्प्रेसिबल कंसीडर किया जाता है। अब अगर कहीं पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी हो किसी मीडियम में, किसी लिक्विड मीडियम में, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला लगाएंगे √K/ρ, मतलब उस लिक्विड की बल्क मॉडुलस और उस लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो का रूट कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, वहाँ पे जितना होगा इसको प्रेशर वेव वेलोसिटी बोलते हैं। और बल्क मॉडुलस आपको पता है 1/K हो जाएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं, C = √1/β/ρ, ठीक है, लाइक दैट। नाउ बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस देखते हैं,
तो एक किसी टैंक में हमारे पास गैस भरा हुआ है और इस पर प्रेशर पी अप्लाई कर रहे हैं ऑन पोजीशन वन। तो पोजीशन वन से प्रेशर पी अप्लाई करने पे इसकी पोजीशन जो हो रही है टू तक चेंज हो जा रही है, यानी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है गैस। तो जैसे जैसे अगर पीवी का कर्व देखें तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं 1.1 से 0.2 की तरफ, तो वॉल्यूम हमारा जो है डिक्रीज होते जा रहा है 0.1 से 0.2 की तरफ। तो कुछ इस तरीके का कर्व होगा। अब कौन कौन से टाइप के हमें प्रोसेस होती है जो कि हमने थर्मोडाइनमिक्स में देखा था, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबेटिक। तो यहाँ पे गैसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तभी तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तभी तो पता चल रहा है कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। तो एडियाबेटिक क्या होता है, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी पावर रो पी डिवाइडेड बाई रो पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे लिखा अभी आप पता लगाते रहना, मैं ये नहीं बताने वाला। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो आप समझ जाना इससे। चलो बता देता हूँ, पी अपॉन रो बाई रो पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो रो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर रो को हम लिखें मास बाई वॉल्यूम, तो पी अपॉन में मास बाई वॉल्यूम पे कितना पावर होगा, गामा अपॉन में कांस्टेंट। तो इसको आप याद रखना। अब मास पे भी गामा पावर आएगा, वॉल्यूम पे भी गामा पावर आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, पी डिवाइडेड बाई एम पावर गामा और वॉल्यूम पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी वी पावर गामा एम पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एम पावर गामा को इधर सेंड कर दो आप, तो पी वी पावर कांस्टेंट इंटू एम पावर गामा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है बिकॉज मास कांस्टेंट है। तो फाइनल हो जाएगा हमारे पास पी वी पावर गामा इज इक्वल टू सी डैश, दैट इज कांस्टेंट। आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देख लेते हैं बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल और रेडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस सबसे पहले देखते हैं फॉर गैसेस। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब पी वी इज इक्वल टू एम आर टी लिखे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको पी वी इज इक्वल टू रो आर टी भी लिख सकते हैं वॉल्यूम को जब राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे। अब इससे हम निकालें, इसका डिफ्रेंसिएशन करें इस इक्वेशन का, तो अगर डी पी बाई डी रो करें विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो रो का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, वन हमारे पास बचेगा क्या, आर टी। तो डी पी बाई डी रो इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर टी, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला डी पी अपॉन में डी रो बाई रो। इसको कुछ इस तरीके से लिखे तो कोई फर्क है, रो डी पी अपॉन में डी रो सेम वही हो गया, इसको नीचे से ऊपर लेके आए तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब आपको एक चीज़ पता है कि रो और डी पी का वैल्यू, हमने डी पी बाई डी रो का वैल्यू कितना निकाल रखा है, आर टी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, रो आर टी, ठीक है। अब रो आर टी हमारे पास क्या इक्वेशन में, पी इज इक्वल टू रो आर टी, यानी प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी। तो रो आर टी की जगह पे प्रेशर हो जाएगा, तो हमारे पास बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन आएगा तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस डिपेंडेंट ऑन प्रेशर और इक्वल टू प्रेशर फॉर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस। आइसोथर्मल कंडीशन के केस में, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के कंडीशन केस में बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर के। किसके, कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी निकालें तो वन अपॉन में पी हो जाएगा बिकॉज इसका रेसिप्रोकल होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होगा। नाउ एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस अगर निकालें फॉर गैसेस, तो आपके पास पता है क्या होता है, पी अपॉन में रो पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है डायबिटिक इक्वेशन, कैसे आपको पता है। नाउ अगर रो पावर गामा को इस साइड में जाए तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, तो डी पी बाई डी रो इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू, और रो पावर गामा को डिफ्रेंशिएट करने पर आ जाएगा रो इंटू रो पावर गामा इंटू रो पावर गामा माइनस वन, लाइक दैट। अब इसके पावर को हम तोड़ें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रो पावर गामा डिवाइडेड बाय रो, इस रो को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, रो इंटू डी पी बाई डी रो इज इक्वल टू
सी इंटू गामा इंटू रो पावर गामा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है, बल्क मॉडुलस का। तो ये इसके लिए हम क्या रिप्लेस कर देंगे, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा इंटू सी इंटू रो पावर गामा। अब एक चीज़ आपको पता है कि C इंटू रो पावर गामा कितना होता है, प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे C इंटू रो पावर गामा को प्रेशर से, हमारे पास हो जाएगा बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा इंटू प्रेशर। मतलब एडियाबेटिक के लिए हो जाएगा गामा टाइम्स प्रेशर, बल्क मॉडुलस की वैल्यू। तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में क्या होता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम बल्क मॉडुलस लिखें फॉर एडियाबेटिक तो ये होगा गामा टाइम्स द बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल फॉर गैसेस। तो ये चीज़ आप याद रखना, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही, नाउ थैंक यू फॉर